अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर टू काइनेमेटिक्स। सो आज जो है वो हम उसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को बताया है कि हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे इस चैप्टर के अंदर। पहली दो इक्वेशन जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। आज हम थर्ड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि वॉट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। In speed time graph, the total distance as traveled by the body is given by the total area OABD under the graph. यानी कि speed time graph के अंदर जो ये वाला जो हमारा graph है, इसके अंदर हमने पहली दो जो हमारी equations है वो भी हमने इसी graph से derive की हैं, और आज जो है वो हमने total distance covered by the object find out करना है। तो सबसे पहले हमने OABD के अंदर जितना भी हमारा shaded area है उसको हमने cover करना है। तो देखते हैं हम उसके अंदर किस तरह कवर करते हैं। हमारे पास डेरिवेशन है टोटल एरिया ओ ए बी डी एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई टू इंटू ओ डी। यानी हमने ओ ए और बी डी को जो है वो प्लस किया है और ओ डी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यानी हमने जो इतने ओ ए है हमारे पास वी आई और ओ डी हमारे पास वी एफ है, इसको प्लस करके ओ डी से यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है और ओ ए और बी डी को टू के ऊपर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वन टू जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एस इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब हमने जो है वो दोनों साइड्स पर बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास ये ओ डी जो है ये ख़त्म हो जाए। तो बी सी ओवर ओ डी को हमने लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर बी सी ओवर ओ डी ओ डी ओ डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टू एस इंटू बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू बी सी। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। बी सी ओवर ओ डी हमारे पास असल में वैल्यू क्या है, बी सी हमारे पास जो है ये ओवर ओ डी, ओ डी हमारे पास टाइम है और बी सी हमारे पास एक्सेलरेशन, यानी बी सी ओवर ओ डी हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। जबकि इस साइड पे हम देखते हैं कि ओ ए जो है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। आप देख सकते हैं ओ ए इनिशियल वेलोसिटी, जबकि बी डी ये टोटल वेलोसिटी गेन बाय द ऑब्जेक्ट है। बी डी फाइनल वेलोसिटी और बी सी हमारे पास जो होता है बी सी, ये टोटल वेलोसिटी में से इनिशियल पार्शियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। यानी बी डी टोटल वेलोसिटी है, उसके अंदर से डी सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह हम ओ ए बी डी ग्राफ के थ्रू जितना भी हमारा शेडिड एरिया है टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। और जो हमारे पास जो है वो डेरिवेशन आती है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेज। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था और इसने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जिनके डिफरेंट मासेज हों एक हाइट से जो है वो ग्राउंड पर फेंकते हैं तो क्या उन सबको एक ही टाइम लगता है या वो डिफरेंट टाइम के ऊपर गिरती हैं। तो उसने ये फाइंड किया कि उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन सेम रहेगी इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम हाइट से जो है वो ग्राउंड पे फेंकेंगे उनकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी और वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा जो है ये इटली का एक शहर है, इटली कंट्री का एक शहर है पीसा, वहाँ पर एक टावर मौजूद है जिसको हम टावर ऑफ पीसा बोलते हैं। उसने उस हाइट से जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को गिराया एंड ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये हमारे पास वो टावर दिखाया गया है कि जहाँ पर जो है वो उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये इटली के अंदर ये टावर मौजूद है। तो उसने क्या फाइंड किया कि जब उसने इस टावर की हाइट पे गया और वहाँ से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराया तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट मासेस के थे एक ही टाइम पे नीचे पहुँचे, ठीक है। यानी कि उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो 30 सेकंड्स लगे हैं ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, तो इसी तरह उसने 10 kg का ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिराया तो उसको भी जो है वो 30 सेकंड्स ही लगे,
ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेज, यानी वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं किया, उनका टाइम जो है वो चेंज नहीं हुआ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक हमारे पास टर्म है जो कि गैलीलियो ने ही जो है वो डिराइव की है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ऐसी बॉडीज़ जो हाइट से ग्राउंड की तरफ आती हैं, उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, यानी वो किसी उनके ऊपर कोई फोर्स विदाउट एक्सेप्ट जो है वो नेचुरल फोर्सेस, यानी अब जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी उसके ऊपर कुछ वाइंड फोर्सेस होंगी, ठीक है, कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी, उनके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती, जिसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑफ बॉडीज़। तो ये जो बॉडीज़ हैं इनकी एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज़ नोटेड बाय जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 m/s². अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो 10 m/s² है, ये कांस्टेंट रहती है हर ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर बॉडीज़ फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव, अगर तो बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल डाउन हो रही है तो उसके लिए जी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। एंड इज़ नेगेटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग अप, और वो बॉडीज़ जिनको हम ग्राउंड से अपवर्ड मूव करते हैं, जैसे टेनिस बॉल है अगर उसको हम हवा में उछालते हैं, तो उसके लिए जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।